हेलो दोस्तों, मैं सुनील, आपके अपने यूट्यूब चैनल बी आर जे अकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ हानि, जो SSC NTPC ग्रुप डी पुलिस जेल वार्ड एंड फायरमैन DRDO MTS सबके लिए जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। मैथ वही आता है, ठीक है ना, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है ना, तो हम ऐसे पढ़ेंगे इसके हर एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेंगे हम कि क्रय विक्रय मूल्य क्या होता है ना, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है ना, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, ठीक है, फिर लाभ प्रतिशत क्या होता है, फिर हानि प्रतिशत क्या होती है, ठीक है ना, यही जानना है हमको, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे दोस्तों मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, कोई बुक खरीद के लेके आए ना, और जैसे उस बुक का जो कीमत आप देंगे ना, जितने में खरीदेंगे उसी को क्रय मूल्य कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन जितने में वो दुकानदार आपके आपको बेच रहा है ना, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, क्लियर है। यानी जितने में बेचेंगे वो विक्रय मूल्य है, और जितने में खरीदेंगे वो क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ, कोई दुकानदार है, वो किताब खरीद के लाया कोई मान लीजिए 250 में, ठीक है, और उसको 270 में बेच दिया, ठीक है, इतने में खरीद के लाया, इतने में बेच दिया, तो ये क्या है, क्रय मूल्य है, और ये क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। और आइए देखते हैं लाभ और हानि क्या होती है, ये दोनों चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदने गए आप, ठीक है ना, और उसको 500 में खरीद के लाए, ठीक है, तो क्या हो गया, 500 रुपया क्रय मूल्य, ठीक है, और उसको 520 रुपये में बेच दिए, तो जिसने जितने में बेचे आप वो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अधिक में ही बेचें, ये हो सकता है 500 में खरीद के लाए 400 में भी बेच सकते हैं, और कम में बेचेंगे तो हान, अधिक में बेचेंगे तो लाभ, ठीक है ना। यानी जितने रुपए में बेचेंगे, बस यही जानिए, जितने में बेचेंगे वो विक्रय मूल्य, और जितने में खरीदेंगे वो क्रय मूल्य, ठीक है। चाहे वो विक्रय मूल्य भी अधिक हो सकता है, और हो सकता है कि आपका जो है क्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य 70 हो, 270 हो, अब विक्रय मूल्य आपका 200 हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हानि होगी ना। जब कम रुपए में बेचेंगे, अधिक रुपए में खरीद के लाएंगे, तब क्या होगी, हानि। जैसे मान लीजिए आप गए कोई टी शर्ट खरीदने, और 120 रुपये में खरीदे और 150 में बेचे, ये हमारा है CP कास्ट प्राइस, ये है SP सेलिंग प्राइस। तो कम में खरीदे थे, अधिक में बेचे हैं, तो फायदा हुआ ना, तो इसको बोलेंगे लाभ, ये हमारा हो गया लाभ। लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस CP कास्ट प्राइस, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी हो जाएगा हमारा 150 माइनस 120 बराबर कितना, 30 रुपया फायदा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे CP हो जाएगा 120, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 150, ठीक है, जो भी पॉइंट है ये आप समझते चलिए। फिर आइए हानि बराबर क्या होगा, हानि कब होगी, जब आप जितने रुपए में खर्च के लाए हैं उससे कम में बेचेंगे, तब क्या होगी, हानि होगी। जैसे मान लीजिए आप कोई गए
जूता खरीदने, ठीक है ना, शर्ट खरीदने या जूता कुछ भी खरीदने गए, ठीक है, और मान लीजिए उसको आप 1000 में खरीदे और 800 में बेच दिए, खरीदे थे 1000 में, बेचे थे 800 में, अधिक में खरीद के कम में बेचे हैं तो नुकसान होगा ना, तो इसी को बोलेंगे हानि। तो हानि बराबर क्या होता है, CP माइनस SP ना, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, CP मतलब क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस, ठीक है, SP मतलब सेलिंग प्राइस ना, विक्रय मूल्य। तो 1000 माइनस 800 बराबर 200 का हानि हुआ, ये हानि है और ये लाभ है, ठीक ना, समझ गए, ये CP है और ये SP है। अब आइए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समझते हैं, ये तो समझ में आ गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक, देखिए दोस्तों, लाभ हो या हानि हो, क्रय मूल्य हमेशा ही नीचे लिखेंगे ना, जैसे मान लीजिए इसी को लेते हैं, इसमें लाभ हुआ है 30 रुपये ना, तो लाभ हुआ है कितने का, 30 का, कितने से, तो 120 रुपये से ना, 120 रुपये पे 30 का लाभ हुआ है ना, कितने परसेंट, 100 से गुणा कर दीजिए, समझ में आ रही बात, ठीक है, तो लाभ हो या हानि हो क्रय मूल्य हमेशा ही नीचे रहेगा दोस्तों, चाहे या लाभ होगा या हानि होगा जो भी होगा क्रय मूल्य पे ही तो होगा, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है, या CP, समझ गए। अब जरा आइए हानि प्रतिशत पे, ना देखिए कि जरा हानि हुआ है ना 200 का, कितने पर हुआ है 1000, 1000 क्या है हमारा CP है ना, तो हम बोले इसीलिए कि लाभ हो या हानि हो क्रय मूल्य नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही होगा। अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ना, तो हानि परसेंट क्या हो जाएगा, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, समझ में आया इतना, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो हम डिस्कस करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टाइप वन देखते हैं और घबराइए मत आप, हम बिल्कुल 0 लेवल से चलेंगे, ठीक है ना, और हाई लेवल तक, ठीक है, 0 से लेकर हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे, अब डरने की कोई बात नहीं है, मज़ा आएगा इस चैप्टर में, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल दिया है टाइप वन का, ठीक है, क्या दिया है, दिया है राम एक गाय को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताएं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है राम जो है ना, देखिए राम जो है 800 में खरीदे हुए हैं ना गाय को, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, गाय का क्रय मूल्य, गाय का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया, इतने में ख़रीदा है, फिर गाय का विक्रय मूल्य कितना है 1000, ठीक ना। अब बताइए एक और लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको पहले लाभ ज्ञात करना पड़ेगा, कितने का लाभ हुआ ना, फिर तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर, इसलिए लाभ बराबर ना, लाभ बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको SP माइनस
सीपी ना, यानी सेलिंग प्राइस यानी 1000 माइनस 800, ठीक है। तो 200 का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया, फायदा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। तो लाभ कितना हो जाए, लाभ प्रतिशत, इसलिए लाभ परसेंट बराबर कितना, लाभ गुणे यानी 100 गुणे, चलिए फार्मूला एक बार लिख देता हूँ, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्लियर है। अब ज्ञात कर लीजिए इसको, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 200 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 800, क्लियर। 2 0 से 2 0 चार बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा, यानी 25% आंसर हो गया, समझ में आया, ठीक है। चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं करने की ज़रूरत है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको बताया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ना। एग्ज़ाम में ये आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपको मालूम है कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य, इतने में खरीदा था इतने में बेचा है तो लाभ कितने में, 200 रुपये का लाभ, 100% बट्टे, बस काट दिए, हो गया 25% ना। इतना करने की क्या ज़रूरत है, आपको बस इतना ही करना है, ये फार्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस ठीक करना है ना, कोई दिखाना थोड़ी है कैसे लगाए हैं कैसे नहीं, केवल ऑप्शन को आपको ठीक करना है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला है सवाल टाइप 1 का ही है, क्या सवाल है, कह रहा है कि मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है तो हान प्रतिशत, ठीक है। दोस्तों मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा है तो सीपी कितना हो गया, 100 रुपया, एसपी कितना दिया है, बेचा कितने में है, 80 रुपया में, तो नुकसान हो गया ना, लॉस हो गया ना, तो नुकसान कितने का हो गया, तो 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपये का हो गया ना, तो हानि परसेंट पूछ रहा है ना, वही लॉस परसेंट हानि प्रतिशत ना, बराबर क्या, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 100, काट लीजिए 20% की हानि हुई, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये बाकी ये इतना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको बार बार, ये बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बस आपको इतना ही करना ही है, अरे इतने 100 रुपये में खरीदा था 80 रुपये में बेचा तो मुझे जवानी नहीं मालूम पड़ रहा है, 20 रुपये का नुकसान हो गया, तो 20 बटे 100 गुणे 100, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल, ठीक है, टाइप 1 का ही है अगला सवाल, देख लीजिए। कह रहे 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, कोई वस्तु है 450 रुपये की बेच मतलब है उसकी कीमत है, कह रहे कितने में बेचें कि 10% का लाभ हो जाए, ठीक है, समझिएगा। परसेंटेज जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है ना, ठीक है। तो ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, ठीक है। जो भी किसी भी वस्तु की ये जो कीमत होगी वो कितने परसेंट होगी, 100% की होगी। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मैं बोल रहा हूँ इसकी कीमत 10 रुपया है, तो जो 10 रुपया है इसकी कीमत जो है 100% के बराबर है, ठीक है ना। अब इसमें जो कमी होगी 2 रुपये 1 रुपया वो कम हो जाएगा ना, तो आइए देखते हैं ये कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर, यानी ये है बराबर 100 के, अगर 10 हमको अधिक कमाना है, लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 110 में, समझ में आ रही है बात, 100। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप इसका 10% निकाल लीजिए, जैसे
450 है, इसका 10% निकालिए, 1060 1060 ₹45, यानी ₹45 अधिक में बेचना पड़ेगा इसको ना। तो 450 का ख़रीदा था, अब ₹45 अधिक में बेचेगा तभी 10% का लाभ होगा, तो कितना हो जाएगा, 495 में बेचना पड़ेगा। ठीक, ये तो था पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको मालूम है 450 100 के बराबर है, हमको ज्ञात करना 110 ना, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, गुणा कर दीजिए, 11 5 55 होता है, 11 4 में गुणा करेंगे 44, और 44 5 49, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है ये बात। जैसे अब इसका टाइप जो है, देखिए एक मिनट, अब ये टाइप एक और क्वेश्चन है इसका, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता है, राम का जो विक्रय मूल्य है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, ये टाइप 1 नहीं, इसको टाइप 2 में ले लीजिए ना, ये टाइप 2 है। ठीक है आइए, तो कह रहे राम एक गाय को कितने में ख़रीदा है, 4000 में, सीपी हमारा कितना है 4000, ठीक है, 20% की हानि पर बेचा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एसपी बराबर क्या होगा। ठीक है, और हानि कितने की है, 20% की, ज़रा बताइएगा ये कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है, हमने अभी बताया था ये हमेशा ही 100% होगा ना। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो कितने परसेंट है, 100% है, सीपी कितना है 100%, ये 4000 जो है कितने के बराबर है, 100% के बराबर है। ठीक है, अब बेचा कितना है, 100% के बराबर है, 100 रुपये का सामान था, अब 20% कम में बेचा है, यानी कितने में बेचा होगा, 80% में तो बेचा होगा, कितने परसेंट में, 80% में बेचा होगा, तो 100 का दाम इतना, तो 80 का दाम कितना ना, 100 से भाग देंगे तो पहले 1 का दाम आएगा, समझिए जरा यहाँ पर। जैसे मैं मान ली बोला हूँ कि 100 टॉफ़ी का दाम है 500, ठीक ना, तो 10 टॉफ़ी का दाम कितना होगा, समझिएगा, तो पहले 100 से भाग देंगे ना, इसमें 100 से भाग देंगे तो 1 टॉफ़ी का दाम आ जाएगा, और 1 टॉफ़ी का दाम आ गया तो 10 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, पूरे टॉफ़ी का, देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 50 रुपये। सेम यही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 100% का दाम 4000, तो इससे भाग देंगे तो 1% का दाम आएगा, ऐसे गुणा कर देंगे तो 80% का हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, देखिए ये 0 को जेब में रख लीजिए, 8 6 32, और जेब में से दोनों 0 निकाल के यहाँ पे चिपका दीजिए, आंसर हो गया, समझ में आया, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, यही तो 80% ही तो बेचा है ना, कितने बेचा है, 80 में ही तो बेचा है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर, एक बार और देख लीजिए, 4000 में ख़रीदा था, ठीक ना, 20% के नुकसान पर बेच दिया, तो ये 4000 कितने के बराबर है, 100% के बराबर है, यानी 100% में ख़रीदा था और 20 रुपये कम करके बेचा है, यानी 80% में ख़रीदा, तो 100 का दाम 4000, तो 80 का दाम 3200। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एसपी कितना दिया है, 600 रुपये ना, बेचने पर 20% का लाभ होता है, इतना में अगर बेचता है ना तो 20% अधिक कमा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ज़रा देखिएगा, 100 रुपये का सामान था, कोई भी चीज़ 100% होती है, और 20 रुपये अधिक में बेच दिया है ना,
यानी कितने में बेचा है, 120 में बेचा है ना। यहाँ पे ये परसेंट के रूप में 120 है, रियल में कितना है 600, यानी 120 का मतलब कितना, 600 हुआ। हमको क्या ज्ञात करना है, 100 का मतलब ज्ञात करना है, तो 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12, यहाँ पर क्या बचा, 10 2 5 10, यानी 500 रुपये आंसर हो गया। समझ में आया ना, समझ लीजिए एक बार, 600 में बेचा था तो उसको 20% का लाभ होगा ना, यानी 100 रुपये का सामान था, कोई भी चीज़ 100% होती है, खरे मूल्य 100% था, 100% था, 120 में बेच दिया है, तभी तो 20 रुपये लाभ कमाया ना, 100 रुपये का सामान था, 20 रुपये अधिक में बेचा, तभी तो 20% का लाभ होगा। तो ये 120 किसके बराबर है, 600 के बराबर है, तो इसे जब भाग करेंगे तो 1% का लाभ आएगा, 1% का आ गया तो 100 का गुणा कर दीजिए तो हमारा 100% का आ जाएगा। हमको ये याद करना था, क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 500, ये हमारा हो जाएगा CP, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल, अगला सवाल है सोहन एक टेलीविज़न को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, समझिएगा, कह रहा है 3000 में बेचता है, कौन, सोहन, ठीक ना, कितने बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है 3000, तो उसको 25% का नुकसान हो गया ना, कोई 75% का, तब इसको बेचा कितना होगा, 75% में 25% का नुकसान हो रहा है, 100% होता है हमारा ना, लेकिन ये 25% नुकसान सह के बेच दिया, यानी 75% में ही तो बेचा है, यहाँ पे कितने में बेचा है, 3000 में, तो ये जो 3000 है कितने के बराबर है, 75% के बराबर है, हमको ज्ञात क्या करना है, 100%, समझिएगा, ठीक है ना। 3000 में बेचा था तो 25% का नुकसान हो गया, यानी कितने में बेचा होगा, 75 में ही तो बेचा होगा, 100% का था, 25 के नुकसान में बेच दिया, यानी 75 में बेचा, हमको क्या ज्ञात करना है, 100%, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, इसको लिखते नहीं है, ठीक है, अब इसको काट लीजिए, ठीक ना, तो 25 से काट लीजिए, 3 बार में कट जाएगा, ये 25 चौक 100 हो जाएगा, 3 करने 3 हो गया, 4 करने 4, ठीक है, और 3 0, ठीक है, ये हमारा क्या है, CP है, ठीक, यानी 4000 का जो सामान था ना, उसको 3000 में बेचा है, तभी उसको 25% का नुकसान हुआ है, समझ में आ रहा है, क्लियर दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और फिर मिलेंगे हम अगले टाइप के साथ, और इसके सभी टाइप्स पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, तो आप घबराइएगा मत, अभी स्टार्टिंग हो रहा है, 0 लेवल से बिल्कुल हम चलेंगे हाई लेवल तक, ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।